नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शमशाबाद विधानसभा के कई गांव में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। अधिकारी गांव गांव जाकर सर्वे का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सूर्य प्रकाश मीणा भी गाँव में चौपाल लगाकर सर्वे का जायजा ले रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कई खेतों में जाकर खराब हुई फसल का जायजा लिया। कई जगह शिकायत मिलने पर अधिकारियों से भी बात की और फसल का सही आंकलन करने की बात कही गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मुखिया भी एक किसान है, किसानों का दर्द वो भली भांति जानते हैं। खराब हुई फसल की पाई पाई का मुआवजा दिया जाएगा। बोला नुकसान हुए साहब, और विधायक साहब आए पुराने, और साहब ना मीना जी आए ना सबको फसल दे रहे हैं, और बिहार जी एक विधायक साहब भी परिवार ही से निकल गए गाँव में, परंपरा पूर्ति गाँव 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 चले गए। यहाँ बहुत नुकसान हुए, धना जाएगा सरसों किसी, बहुत नुकसान है। मैंने यही बोला अगर मिलेगा नुकसान, अगर फसल की बिल्कुल सफाई स्थिति है, कच्ची कच्ची खेतों में कछुई नहीं। कुल मिलाकर नुकसान काफ़ी है। हमने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग जिन जिलों में ओलावृष्टि का नुकसान हुआ है उन जिलों के कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के अंदर सर्वे कार्य हो जाए और दूसरे सप्ताह में किसानों को राहत राशि मिल जाए। ये उनके स्पष्ट निर्देश। उनका ये भी कहना है कि जिनका नुकसान हुआ है वास्तव में वो किसान बिल्कुल ना छूटे, और कहीं कोई समस्या हो, पैसे की कोई समस्या नहीं, उन्होंने कहा आप तुरंत सर्वे करें, आकलन करके भेजें, तुरंत किसानों के खातों में राशि डालने का कार्य हमारी सरकार करेगी।